अब अपना अगला मेंबर है इक्विसीटम। ये इक्विसीटम का प्लांट बनाया गया है, इसमें आपको लीव्स नहीं दिखाई दे रही हैं, स्टेम दिख रहा है। ये राइजोम जो जमीन के अंदर रहता है उससे निकली हुई रूट्स। यहाँ आपको कुछ इसके लीव्स दिख रही हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ जैसी, ये देख गांठें हैं, ये नोड कहलाती है और दो नोड के बीच का स्थान इंटर नोड। ये इसका सबसे ऊपर जो कोन जैसा दिख रहा है ये है इसका स्ट्रोबिलस। इसमें भी हम इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो लाइकोपोडियम सुलजिनेला में पढ़े हमने। एलएस स्ट्रोबिलस, स्टेम का टीएस इंटर नोड का, ये इसका है स्टेम टीएस इक्विसीटम में। इसमें आप देख सकते हो रिज या उभार और खांच, ये उभार कहलाता है और ये खांच, रिज एंड फ्रोज में इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। सबसे बाहर की तरफ आप सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, सबसे पहले आप इसको बनाइए ऐसा करके, इसके बाद एपिडर्मिस के नीचे आप लाइन खींच दीजिए इस तरह से। ये येलो कलर का जोन जो है वो कहलाता है स्क्लेरिन काइमा, फिर और नीचे आप जो ग्रीन बने हुए हैं वो क्लोरिन काइमा कहलाते हैं। प्रत्येक खांच पर दो लाइन खींची वो स्टोमेटा को बताती है। प्रत्येक खांच के नीचे एक एक गोल बनाना है आपको जो वेलेक्यूलर कैनाल बताते हैं। इसके बाद जिस प्रकार ये उभार है उसी प्रकार यहाँ उभार बनेगा, एक और जैसा उभार के जैसा आप बना लीजिए। ये देखिए इस तरह से, ये है इसकी एंडोडर्मिस, पूरे बना लीजिए आप, ये एंडोडर्मिस बन जाएगी। एंडोडर्मिस के बाद एक सिंगल लेयर्ड एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल आप चाहे तो छोड़ दें। इसके बाद अंदर देखिए वेस्क्रोबंडल्स हैं। वेस्क्रोबंडल में ये जो गोल वाला सबसे अंदर दिख रही है ये जाइलम नहीं है, ये है कैराइनल कैनाल। वेस्क्रोबंडल वी शेप्ड है, इस तरह से बनेगा कैराइनल कैनाल और इसके बाहर की तरफ ये जाइलम ऐसा, ये अंदर की तरफ प्रोटोजाइलम और बाहर की तरफ मेटाजाइलम, इस तरह से वी शेप्ड रहेगा। वेस्क्रोबंडल्स के बाद फिर एक इंटरनल एंडोडर्मिस और हो सकती है। ये लाइन आप कुछ स्पीसीज में रहती है कुछ में नहीं रहती, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। सबसे अंदर पिथ जो कि एक हॉलो खोखली पिथ कैविटी के रूप में पाया जाता है, ये हो जाता है टी एस इंटरनोड इक्विसीटम। अब हम इसका सेलुलर डायग्राम देखते हैं, सेल्स के रूप में कैसे बनेगा। देखिए हम केवल एक पोर्शन बनाएंगे, इतना एक उभार बनाएंगे जिसके नीचे स्क्लेरिन काइमेटस कैसे सेल्स रहेंगी, क्लोरिन काइमेटस सेल्स कैसी रहेंगी, कैनाल्स दे देखिए। ये देखिए हमने इसका एक पोर्शन बनाया है, ये उभार बनाया हमने सबसे पहले, सेल्स पूरी आप करिए इसमें नीचे तक, यहाँ तक बना दीजिए। ये है एपिडर्मिस, लेबलिंग एक साइड में करेंगे, यहाँ से आप लीजिए बाहर की तरफ एपिडर्मिस। इसके बाद ये नीचे स्क्लेरिन काइमा, स्क्लेरिन काइमा की सेल्स इस तरह से बनेंगी डबल करके, यहाँ लिख दीजिए आप स्क्लेरिन काइमा। ये स्टोमेटा, इसके बाद यहाँ ग्रीन कलर वाली जो सेल्स हैं वो इस तरह से लंबी सेल्स बनेंगी, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बना दीजिए डॉट डॉट करके। ये क्लोरिन काइमा, क्लोरिन काइमा। इसके बाद प्रत्येक खांच के नीचे एक वेलिक्यूलर वेलिक्यूलर कैनाल, फिर ये एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में यहाँ डार्क कीजिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहलाती हैं, इस तरह से डार्क। और फिर ये वेस्क्रोबंडल, वेस्क्रोबंडल में एक कैराइनल कैनाल और ये प्रोटोजाइलम और ये बाहर की तरफ बड़ा मेटाजाइलम और ये फ्लोएम। प्रोटोजाइलम को हम पी लिख देते हैं, मेटाजाइलम को एम और ये फ्लोएम को हमने कैपिटल पी लिख दिया। आप सेल्स कंप्लीट कीजिए, यहाँ सारे में आप स्क्लेरिन काइमेटस सेल बनाइए, यहाँ क्लोरिन काइमेटस सेल्स, ये ग्रीन, यहाँ एक कॉर्टेक्स है, इसकी सेल्स इस तरह से गोल गोल बना सकते हैं, लेकिन गोल अच्छा बनना चाहिए। एंडोडर्मिस के बाद यहाँ पर फ्लोएम और बाकी सेल्स आप
इस तरह से बना सकते हैं। एंडोडर्मिस की पहचान ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। नीचे लिखिए सेलुलर डायग्राम, ये है इसका सेलुलर डायग्राम। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रोबिलस का एलएस, यह एलएस स्ट्रोबिलस या कोन, इसमें सेंटर में एक्सेस होता है, इसको इस तरह चित्र बनाओगे आप। यह है इसका एक्सेस, इसके चारों तरफ स्पोरोफिल्स लगी हुई होती हैं। ये स्पोरोफिल्स इस तरह से बनेगी, ऐसा किया छाते के जैसा बना दीजिए इसको। अब उसके नीचे स्पोरेंजिया इस तरह से, नीचे स्पोरेंजिया लगा दीजिए इस तरह से, दोनों तरफ बना दीजिए। ये एक्सेस हो गया, एक्सेस की यहाँ पर चित्र आप बुक से देख सकते हैं, यहाँ आपको आइडिया देने के लिए हम बना रहे हैं। नीचे स्पोरेंजिया इस तरह से, ये स्पोरेंजिया लगी हुई है। तो इसका एलएस भी एग्जाम में आता है। ये प्रत्येक जो स्पोरोफिल है कुछ इस तरह से होती है, और इसके नीचे लगी रहती हैं इस तरह से 10-12 स्पोरेंजिया चारों तरफ। तो ये स्पोरेंजिया से अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स से प्रोथेलस, और लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। हम अभी बनाते हैं।